अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो का टाइटल है कि SDLC, कि हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना लाजमी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने टाइटल के बारे में आपको बताया कि मेरा आज का टाइटल है कि SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि हम अपने जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर हाउस में आता है तो तब उनके दरमियान में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिन पर एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद कायम होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। इसके अंदर सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाला क्लाइंट होता है वो अपने सारे देता है डॉक्यूमेंट्स, और जो होता है सॉफ्टवेयर बनाने वाला खुद वो उसको लेकर स्टडी करता है कि इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग होगी सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये किस तरह काम करेगा और ये आउटपुट कैसे देगा। तो उसके बाद एक प्रीलिमिनरी प्लान होता है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रीलिमिनरी प्लान, किसके अंदर बताया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी ये वर्क कैसे करेगा, इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होगी और इसको रन करने का तरीका क्या है। ये तो भी दो बातें, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी प्लान। और जब तीसरी बात करते हैं इसके अंदर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, तो वो होता है टेस्टेड। इसके अंदर हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं, कि टेस्ट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो इसको हम करते हैं टेस्ट। टेस्ट के अंदर आ जाता है अगर हमारा प्रोग्राम सही होगा, बिल्कुल ओके होगा, तो जिस तरह हम इसको इनपुट देंगे, जिस तरह हम इसके प्रोग्रामिंग के मुताबिक अपने जेन के मुताबिक, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो भी इसको हम ऑर्डर देंगे, जो भी टाइप करेंगे, तो जो भी इसके ऊपर हम ऑपरेटर लगाएंगे, अगर उसकी आउटपुट करेक्ट आ जाती है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ जाती है, तो उसका मतलब यही है कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट है और ये दुरुस्त है। तो जब बात आ जाती है कि अगर प्रोग्राम करेक्ट नहीं होता, कोई इसके अंदर एरर आ जाता है, तो वो एरर में रन टाइम एरर भी हो सकता है, लॉजिकल एरर भी हो सकता है, सिंटैक्स एरर भी हो सकता है। बाज़ वक़्त लोगों को ये नहीं पता होता कि ये एरर्स का मतलब क्या है। सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं उसका सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ते हैं। अगर हम उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें अपनी मनमानी करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, सेमी कोलन नहीं लगाते, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते, तो इसकी वजह से हमें ये सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो एक होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में आ जाता है कि हम कोई भी दो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेशन उनके दरमियान एक ऑपरेटर होता है, तो हम जैसे ग्रेटर देन लेस देन, इसको लॉजिकल ऑपरेटर में कहा जाता है। तो अगर हम हमें पता भी होगा कि ये हम गलत यूज कर रहे हैं, तो जब हम रन करेंगे तो उसके अंदर ये लॉजिकल एरर आ जाता है। और बाज़ का तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, प्रोग्राम रन हो जाता, हमारा सॉफ्टवेयर रन हो जाता और अपनी आउटपुट शो नहीं होती, शो हो भी आए तो वो रॉन्ग शो होती है। तो उसमें होता है कि इसको कहते हैं कि ये एक रन टाइम एरर आ गया। तो ये होता है टेस्ट के अंदर के हमारा अगर कोई एरर आ जाए तो वो तीन टाइप का एरर होता है, और उनको दुरुस्त करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। और इसमें होता है डाटा एनालिसिस, तीसरे स्टेप पे जब प्रोग्राम बन जाता है उसके बाद उसके क्राइटेरिया के मुताबिक इसके अंदर कौन कौन सी लगी है फीसिस, या फिर इसके अंदर कौन कौन से ये यूज हुए हैं टूल्स, और उनके मुताबिक यह हमारा बन जाता है कि इसके अंदर कितना पैकेज बना है, किसी की इसकी फीस कितनी होगी, और इसका हम कितने चार्जेस, जो यूजर है, जो बनवाने वाले, जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाले, इसके कितने पैसे लगेंगे। इसके अंदर डाटा एनालिसिस के अंदर यह सब कुछ ओके हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी उसके बाद आ जाए एप्लीकेशन।
इम्प्लीमेंटेशन, डाटा इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर जब प्रोग्राम रन होता है, जब ओके हो जाता है, जब इसके आउटपुट करेक्ट आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये बात होगी कि इस तरफ सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो आज की मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, इसके कौन कौन से मेन मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है और उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।